गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे सभी लोग। तो सुबह की बज रहे हैं 9, तो आज बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं। नाश्ते का टाइम तो गया आज, और अब थोड़ा रूम सेट कर लेते हैं, बिस्तर से सही करके नहा धो के फिर खाना वाना खा के फिर आज पढ़ेंगे। तो नहाने का डिसीज़न मैंने कैंसिल किया है क्योंकि अभी मैं बाथरूम में गया तो हीटर अभी स्टार्टेड नहीं था और पानी ठंडा रहा, तो मैं हीटर स्टार्ट करके आया। तो जब तक पानी गर्म भी हो जाएगा और एक दो घंटे तक तो मैं पढ़ भी लेता हूँ अच्छे से, और फिर नहा धो के नाश्ते के लिए, मतलब नहा धो के खाने के लिए चल लेंगे। तो ये पूरे वीडियो में और देखिए कि कॉलेज कैसा है और बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं सोच रहा हूँ ब्रीड थोड़ी ज़्यादा आ चुकी है कुछ, मतलब ज़्यादा तो क्या, सेव कट करना पड़ेगा। तो दाढ़ी को सेट करेंगे आज और फिर जाने चलते हैं। तो टाइम हो गया है लगभग बज के 11:30 समथिंग, तो अब नहा धो के और फिर नाश्ता करने भी चलना है, तो जल्दी से पहले दाढ़ी सेट कर लेते हैं और फिर नहाने धोने चलते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा, इधर से धूप आ रही होगी। समथिंग गुड। तो ऐसे तो 2-3 दिन बाद हॉलीडेज होने वाले हैं, तो फिर घर जाने के बाद तो अच्छे से मैं सेव कर पाता हूँ, तो फिर देखते हैं कैसे लगेंगे। अभी तो थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं, ठीक है। तो अपना काम चलाओ, काम हो गया। हाँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है, हमारा विंडो मतलब कि यहाँ खुलता है बाहर की साइड, अच्छी आती है, कपड़े भी सुखा लेते हैं। ये चीज़ सबसे अच्छी है हमारे दोनों, हर विंडो में, हर मतलब हर रूम में दो दो विंडो तो है ही है, ठीक है। और कपड़े के लिए हमने जुगाड़ कर लिया, कपड़े यहाँ सुखा देते हैं, और जैसे अभी मैंने दाढ़ी की तो यहाँ पर कर सकते हैं सीट वगैरह जो भी है आराम से खड़े होकर, जूते भी सुखा सकते हैं जैसे उन भैया के वहाँ सुखा रखे हैं। तो वो बिल्डिंग है जो सामने वाली, तो वो है सेकेंड ईयर वालों के, और ये जो हमारे इधर की है पूरी, ये फर्स्ट ईयर वालों बच्चों के लिए है, ठीक है। तो तैयार हो गए और अभी मेरे रूममेट जस्ट बाहर गए हैं सुनाने के लिए, तो वो आ जाए फिर हम चलते हैं, ठीक। तो नहा धो के हो चुके हैं तैयार, तो हमारे रूममेट भी तैयार हो चुके हैं और मैं भी तैयार हो चुका हूँ, तो अब जाते हैं खाना खाने को। तो बज रहे हैं 1:00 PM, इतनी धूप आ चुकी है और हम लोग गार्डन से जा रहे हैं। तो ये हमेशा आज हम जाएंगे संडे का मेन्यू, वो रिवील नहीं करना था, वैसे आवाज़ नहीं आई होगी आपके पास, मैं मानता हूँ, पर अभी वहाँ जाके ही चेक करते हैं कि क्या होगा आज खाने में, क्योंकि संडे है तो दिन भर फ्री होते हैं, तो स्पेशल समथिंग, तो देखते हैं क्या है आज खाने में, वहाँ चल के पर माहौल बन जाएगा बस। और फिर कल एग्ज़ाम है तो उसका रिजल्ट भी देखते हैं खाने खाने के बाद क्या होता है हमारे साथ। सिंह बता रहे हैं इन्होंने क्या पढ़ा 2 दिन में, क्या पढ़ा मान सिंह आपने? लेजर, बहुत जा कहाँ रहे हो? मैंने 5 मॉड्यूल पढ़े। 5 मॉड्यूल पढ़ ले, मॉड्यूल के नाम बताओगे आप? मैंने लेजर पढ़ा, नाम बता सकते हैं? बताइए। लेजर पढ़ा के नाम है लेजर एंड होलोग्राफी, सेमीकंडक्टर, थर्ड का इलेक्ट्रो, वो ठीक सब, वो सब चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक। So you can see that there is a clash between both the friends, and the reason behind this is only the reason of what the content will come in interim examination. Tomorrow is exam and today they are asking about the that what is the topic. So you can see that the condition of the both the boys is very bad. So how is your preparation going on the last day? One night fighter. Going to take today's meal. पता नहीं आज क्या है, तो पास जाके ही पता चलेगा। वैसे कि जो साउथ वाले हैं वो चावल दाल ही लेते हैं, हमारे साथ एक नॉर्थ का इंटेलिजेंट बॉय रियांस, और ये है देवानिकेत, इनसे आपको बाद में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पहले खाना खाने के बाद बोलते नहीं पहले। दिख तो मेरे को कुछ स्पेशल ही रहा है, तो जो पर्सन हमारे और भी गायब है, महिपाल और कैलाश जी वो उधर खड़े हैं। का सबसे
खराब कांच है जो हमारे को खूबसूरती दिखाता है, गलत फहमी है ये। तो यहाँ एंट्री करवानी होती है, हमारा होता नहीं है। और ये तो खाना वाना खा लिया हमने, अब थोड़ा घूम के फिर जाएंगे रूम पे। तो यहाँ एग्रीकल्चर है, मतलब यहाँ पर कुछ उगा भी रखी है खेती। और हम जा रहे हैं पहाड़ पर, इधर ऊपर एक पहाड़ है तो पहाड़ी इलाके में ऊपर जाके वहाँ थोड़ी देर बातें करेंगे, हंसी मजाक और कुछ डिस्कशन पढ़ाई के गाड़ी। तो ये एग्रीकल्चर लेना चाहिए था इसको, इसने सब्जेक्ट गलत चूज़ कर लिया। तो थोड़ी देर बैठ के ठंडी हवा खा के फिर निकलते हैं अपने रूम। तो यहाँ पे कैंटीन्स है, दो कैंटीन्स है और यहाँ पे कुछ खाने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो आज है संडे तो डे स्कॉलर्स लोग ज़्यादा खाते हैं, हम तो एक्चुअली संडे था तो मैं इसमें खाना खा लेता, बाकी यहाँ पे भर पेट यही बेटर रहता है दिन भर चाय वगैरह पीने के लिए। और ये है जो ये हमारी कॉलेज के वहाँ क्लासेस लगती है, यहाँ लैब है, तो पहले बताया था मैंने आपको, प्ले ग्राउंड वगैरह। तो एक्चुअली हमारे जस्ट 3 या 4 किलोमीटर दूर डबोक एयरपोर्ट है, तो हर आधे घंटे या एक घंटे में फ्लाइट्स तो आते ही रहते हैं यहाँ पे। तो ये तो बोर ही हो चुके हैं हम डेली देख देख के, तो पहले तो छोटे थे तब देखने का शौक होता था कि यार वो फ्लाइट आ रही है ऊपर जा रही है ये देखते हैं, पर अब तो जब देखे तब ऊपर से फ्लाइट निकलती दिखेगी। तो बस खाना वाना खा लिया और वहाँ घूम के आ गए थोड़ी देर, अब जा रहे हैं रूम पे। तो भाई गार्डन मतलब इतना अच्छा कर रखा है यहाँ पे कि घूमने का तो मज़ा ही कुछ और है, और शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो राव साहब कैसा था खाना हमें आज? देखिए मैं आपको बता दूं कि दाल बाटी कैसी भी हो, दाल बाटी होती है, बस नाम सुन के ही पेट भर जाता है। बस दाल बाटी चूरमा और उसके साथ छाछ मिल जाए तो बस मज़े ही आ जाए। अब खा लिया है तो अब जाके सोना पड़ेगा हमको। हमने जो दिख रही है वो है फैकल्टी के हाउस, फ्लैट मिल रखे हैं उनको, और हमारा जो है उधर हॉस्टल। तो आज एक्चुअली संडे है तो आप देख पाओगे वहाँ पे सारे बच्चों ने कपड़े कपड़े धो रखे हैं, ऐसे मंडे से फ्राइडे तक कुछ भी मतलब पूरी खाली दिखेगी रो, पर सैटरडे संडे को फ्री होते तो भर रखी होगी पूरी धूप में। हमारे को कपड़े सुखाने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो हमारे HOD सर आ रहे हैं, हरीश तिवारी सर। देखो यार बस इनका शाम को देखने में मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा। तो रूम पे जाते हैं और देखते क्या होता है, नींद आती है या फिर पढ़ पाते हैं। तो वो एक टास्क है हमारे लिए, चुनौती देख लें क्या होती है। तो गार्ड भी होते हैं हमारे इधर हॉस्टल में, बस ओनली चेक दैट बॉयज एंड हु इज़ कमिंग, गर्ल्स और बॉय। तो यहाँ बस गार्ड की सिक्योरिटी का स्वेटर ही काफ़ी है, बट कॉलेज में यही है कि डोंट रैग जस्ट इंटरेक्ट, रैगिंग करना बिल्कुल भी यहाँ मना है। तो हम आ चुके हैं हमारे सेकंड फ्लोर पे, तो देख सकते हो आप पूरा रो, इधर नीचे भी कपड़े ही कपड़े हैं एवरीवेयर क्लॉस। तो ये है हमारा पानी का फिल्टर प्लांट, और यहाँ है टेबल टेनिस का रूम। तो अंदर अभी नहीं दिख पाएगा रिफ्लेक्शन के कारण, पर जब एग्ज़ाम नहीं होता है तब क्या होता है कि हम खेलते हैं, बाकी है ना एग्ज़ाम डेज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अब एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जब रिटर्न बैक वी विल कम एट हेयर, सो वी विल प्ले एट ऑल। ओके, तो यहाँ जो बैडमिंटन के लिए भी है और सफाई करने के लिए लोग खूब सारे आते हैं। Just reach at our room. So after wandering here and there, we are left to go in. हाँ friends. तो आज आपको मिलाते हैं हमारी क्लास के स्कॉलर बच्चे से। तो ये है देवानी के सर। यो व्हाट्सअप है। तो देवा आप कहाँ से हो? मैं प्रॉपरली तो यूपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ,
पर मैं करंटली रिसाइड यहीं पे करता हूँ काकुली में, जो अराउंड यहाँ से 90 किलोमीटर पड़ जाते हैं। तो वहाँ से इतनी दूर चल के यहाँ उदयपुर सिंघानिया यूनिवर्सिटी में आने का क्या मोटो था आपका? मेन मोटो तो हमारा था कि मम्मी को अच्छी कॉलेज चाहिए थी प्लस और एक जो पास में हो, काकुली के पास में हो। मेरे एक बार डीयू में भी हो गया था बट वो थोड़ा सही नहीं लगा था उसका अंदर स्ट्रक्चर वगैरह, दिल्ली का पोल्यूशन वगैरह भी थोड़ा सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा ग्रीन भी अच्छा खुला एरिया है इसलिए हमने यहाँ पे चूज किया। तो कुछ अच्छा लगा कॉलेज में आने के बाद आपको? मेरे दोस्त, आई लव माई फ्रेंड्स। ओके ओके, तो पढ़ाई तो अच्छी होती है कॉलेज में? पढ़ाई हाँ, टीचर्स ए वन। ओके थैंक यू देवा। थैंक यू। तो बात करते हैं हमारे नागौर के एक फ्रेंड मनोज से। और मनोज कैसे हो? बढ़िया है भाई। तो मनोज आप जैसे मैं भी आया हूँ नागौर से, यहाँ उदयपुर एसपीएससी में, तो कैसी लगी कॉलेज आपको यहाँ आने? अच्छी कॉलेज है, पढ़ाई वगैरह सभी अच्छी है। तो एग्जाम सारे अच्छे हुए? हाँ एग्जाम सारे अच्छे अच्छे हो गए, एक कल और है। अच्छा एक और कल। अच्छा बीबी है ना आपके? हाँ हमारे बीबी है। चलो बढ़िया है। तो इसको सब लोग छोड़ने जा रहे हैं। अभिजीत भी है, अजीत लाइन में ही चल रहा है। तो अब धीरे धीरे सबको एक एक को यहाँ से निकाल रहे हैं कॉलेज से बाहर। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, तो सेकंड सेमेस्टर में वापस आएंगे। तो अभी बीच में वैकेशन है, तो ये एक बंदा ये भी जा रहा है, ये बहुत अच्छा बंदा है, टॉपर है, पढ़ाई करने वाला। क्या हुआ आज ही सारा करना है मतलब आपको? ये दोनों बच्चे जा रहे हैं, वो दिल्ली का है और आप कहाँ के हो? मैं हूँ गुजरात। चलो भाई ट्रेन जा रहे हो? बस। ओके चलो अच्छे से जाना। और तुम यही हो हमारे साथ? हाँ कल तक के लिए। तो चलो ठीक है। फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ आपका? बढ़िया गया। अच्छा तो आप कॉलेज के बारे में आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? मैं झुंझुनू से हूँ। अच्छा तो ये है, मतलब थोड़ा ग्रीनरी है, खुद से पढ़ेंगे तो अच्छा ही होगा। हाँ हमेशा यही होता है, कहीं पे भी जाओ तो खुद को ही पढ़ना पड़ता है। हाँ। खुद का एफर्ट देना पड़ेगा। चलो बढ़िया है। तो एग्जाम सारे अच्छे हुए? हाँ अच्छे हुए। बढ़िया बढ़िया। जी भाई पाल बताइए। So guys, you can see that we are standing in the plain area of our college. You cannot guess that I am standing in college campus because that side is college. Please hold the camera. That side is college and this side the total farming area is there. You can see that the mustard and after that so many vegetables are there. And that side we have college, then gymnasium and then food court and everything will are there. And that side you can see that faculty block is there. Okay, so okay. You can see that the college campus not contain only the administrative block or only the official work buildings. It also includes some extra activities. So we can see here. It is also the medical facility. Yeah, or doctor? Medical facility. We have dispensary. You can see at this side the girl going there. See, I think she is going in the dispensary. Okay. Okay. So there is a doctor every time available and yeah, 24 hours? Available every time and you can see that side highway road. Okay, so when we have to go for our home? Udaipur and Chittorgarh and all our districts. Okay, okay, so you can see that there is a... So Maipal, what's going there? Where? So behind the crop and behind you. Just click it. Oh, there. I think today is the last day of our semester and the last day of examination also. So everyone is going to their home. So I think they are creating some memories, clicking pictures in the beautiful scenarios. That's okay, it. Great. And Adi, would you like to tell something about the college? No, okay, the college is perfect. Okay, okay. तो ये हो गया हमारा नाश्ते की तैयारी, ये होगा हमारा इवनिंग का स्नैक्स, इसके बाद होगा डिनर, फिर कल सुबह नाश्ता करके निकल जाएंगे। तो आज स्नैक्स में है फ्राइज, एक केला। थैंक यू।
गाने सुनते सुनते और डांस वांस करके थोड़ा बहुत खाना वाना खा लिया, अब चलते रूम पे और जो हमारे बहन है खुशी उसको उसके हॉस्टल छोड़ के फिर हम निकलते अपने रूम पे। ये सब लोग जा रहे हैं तो हम छोड़ ओड़ के फिर जाते रूम पे, फिर आज देखते हैं लास्ट डे है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया तो कल हम लोग, लाइट अच्छे से नहीं आ रही है तो कल हम लोग घर निकल जाएंगे, तो आज एग्ज़ाम ही कंप्लीट हो गया तो आज थोड़ा डांस वांस करने का और मज़े लेने का टाइम है। तो अभी तो पहले यहाँ से ये खुशी चल जाएगी अपने हॉस्टल, फिर हम लोग जाते हैं हमारे रूम पे, ठीक है। तो मिलते हैं रूम पे चल के और आज देखते हैं हॉस्टल में क्या माहौल बनता है, क्योंकि आज लास्ट डे और सारे लोग फ्री हो गए तो देखते हैं क्या क्या माहौल बनता है। ओके सी यू। तो अब हुकुम बताएगा कि हॉस्टल के बारे में कैसा कुछ क्या है, हॉस्टल का नेचर जी हुकुम बताइए। तो गाइस ये है एचपीएससी का हॉस्टल BH3। तो हम यहाँ पे अपने घर जैसे रहते हैं और यहाँ पे एक कमरे में दो जन रहते हैं हम, जैसे कि मैं और मानसी साथ में पार्टनर हैं, वो पार्टनर नहीं है बट अभी हम अभी दोस्त हैं तो हम साथ में रह रहे हैं, एग्जाम स्किप एग्जाम कर रहे थे इसलिए। तो ओके, तो हमारे हॉस्टल में पानी तो 24 घंटे आता रहता है, टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, वो बेड बुक करें, यहाँ पे हम कल घर जा रहे हैं उसका सामान पैक करके रख दिया है, और वहाँ देख सकते हैं मानसी के उनके कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं। हमारे हॉस्टल के कमरों में अलमारी दी गई है, एक टेबल दिया गया है, एक चेयर दी गई है, और हमारे बेड और गद्दा दिया गया है, और फिर हमारे विंडोज हैं दो, तो विंडोज से हमें हमारे सामने वाले रूममेट दिखते हैं और उनके रूम की खिड़कियाँ दिखती है, बाहर का नजारा दिखता है। तो हॉस्टल के अगर हम बालकनी में जाएँ तो पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हमारे एक लेक है वो भी बहुत अच्छा दिखता है, सुबह सुबह अगर जाए और योगा करो तो आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर तो आप जैसे कि हमारे हॉस्टल से हम जैसे बाहर निकलते हैं तो हमारा फुटबॉल ग्राउंड आता है और वहाँ पे बच्चे रोज सैटरडे संडे फ्री रहता है तो फुटबॉल खेलते हैं, फिर उसके जस्ट आगे हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, और फिर हमारे मैच के पीछे हमारे क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे बहुत खेलते हैं, और हमारे यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स हैं सबके ग्राउंड अवेलेबल हैं। और अभी आप जैसे देख सकते हो कि हमारे मैच का खाना भी बहुत बढ़िया बनाते हैं, मैं तो बनाया, तो हमारे हॉस्टल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे से हम रह पाते हैं, और हमारे जो डेली ड्रीम्स है वो भी एकदम कम्फर्टेबल पूरे होते हैं, और हमारे यहाँ पे कॉलेज में रैगिंग तो बिल्कुल नहीं होती, हमारे सीनियर जो है हमारे पास हमारे साथ बहुत कॉपरेट करते हैं, हमारे हम इस कॉलेज के बारे में बहुत जानकारी देते हैं, जैसे कि आज के लिए आज हमें हमारे हॉस्टल के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई हमको। तो मानसिंह इज इट राइट और नॉट जो हमने बताई? ओके, तो आप भी कंफर्टेबल हो हॉस्टल में रहेंगे, चलो बढ़िया है। तो ये सब था हमारे हॉस्टल का, जैसे कि आदि अभी कल इसके असाइनमेंट देना है तो ये काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये चेयर है और वहाँ पे एक और चेयर जो बैठने की चेयर है, और ये दोनों ये मानसिंह के लिए आया था, और सब सब कल जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया तो सब पैकिंग हो गई है, तो ठीक है मानसिंह तो कुछ कहना चाहते हो आप? ठीक है, तो ये है हमारा हॉस्टल का पीटी या टेबल टेनिस रूम, और जो टीवी वो भी है नीचे, वो ऊपर गेम का रूम है, तो ये भी पीटी गेम है, तो अगर जल्दी टीवी सामने आए तो फ्री हो जाते हैं, और जल्दी का एग्जाम कर नहीं पाए और एग्जाम मनोज बताएंगे कुछ टॉपिक और कुछ मतलब डायलॉग सुनाएंगे, सुनाइए मनोज। हम नागौर से आए हुए हैं पढ़ाई के लिए, हम अच्छे आदमी हैं, ठीक है, और अच्छे जैसा तो दिखा दे, नागौर शहर है, नागौर शहर कहते हैं। हाय भैया, कौन से ब्रांच है भैया आपका? सीएससी। कॉलेज कैसी है? कॉलेज कैसी है? अच्छी है, चलो बढ़िया, थैंक यू। अच्छा टॉपर
चलते हैं और अटेंडेंस लगवा के आते हैं। खाना वाना तो खा के आ चुके थे हम, तो अटेंडेंस लगा देते हैं क्योंकि रात को 9:30 बाद क्लोज़ हो जाता है डोर, तो इन होते हैं उससे टाइम हमारे को अटेंडेंस लगवानी पड़ती है। तो जाएंगे सर के रूम में और फिर अटेंडेंस लगवाएंगे, स्कैनर करवा के, ये हमारा आईडी कार्ड, उससे अटेंडेंस हो जाएगी, इससे लग जाती है हमारी अटेंडेंस। वार्डन सर और ये मेरे नागौरी गैंग के सदस्य और हमारे वार्डन सर यहाँ पर, ठीक है, गुड नाइट। आज तो मैं तो चाबी अंदर ही भूल गया था, इनके पास ये चाबी, तो यही अनलॉक कर रहे हैं। हाँ, ये एक आपको हैकर ट्रिक दिखाते हैं हमारी। तो ये क्या है कि एक्चुअली जैसे कि अभी करना तो नहीं चाहिए, जैसे कि रेंडमली वो अंदर उनके रूम में है, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि ये दरवाज़ा ऐसे लगा के चल जाते हैं बाहर से, ठीक है, तो ये लगा के तो फिर अंदर से खोल नहीं पाते लोग। तो ये तो हमने रेंडमली ऐसे ही ट्राई किया, तो अभी जैसे इसका लगाओगे ना तो ये लगेगा भी नहीं, ये इतना लगा दिया और हम ऐसे करते हैं ये वापस खुल जाता है। तो बस यही एक हैकर ट्रिक, एक दो बार हमारा भी हुआ था, फिर दूसरे लड़के आके खोल के गए, तो अभी हमने ये ट्रिक लगा ली, तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो अब वापस पढ़ने को बैठ जाते हैं। रात को बज रहे हैं 10:30 और इस टाइम पढ़ते पढ़ते हमारे को आने लग जाती है नींद, तो हम बुलाते हैं अपने आदिव जैन भाई को, तो ये हमारे को सुना के शायरी या फिर कुछ जो नींद को उड़ाई देता है, तो आदि एक शायरी इनको भी सुना दी जाए। तो थोड़ा फरमाना, ठीक है जी, कि जो गुजारी ही नहीं हमने कभी, मेरे पास वैसी एक शाम पड़ी है। क्या बात है, मेरे कमरे में एक टेबल है, उस पे आज भी तेरी एक लिप बाम पड़ी। हाय हाय, लिप बाम ले गया भाई। गजब। तो एक शायरी हमारे राव साहब भी सुनाना चाहते हैं, तो वो अभी तैयार कर रहे हैं, जब तक कुछ ही मिनट में आपको दिखाते हैं उनकी भी शायरी। हाँ, तो राव साहब ने भी ऑन द स्पॉट शायरी बनाई है, तो वो आपको सुनाना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि कॉलेज लाइफ शुरू हुई फ्रेशर्स और इवेंट्स में क्या क्या नहीं किया हमने अटेंडेंस पूरी करने में। क्या बात है, क्या क्या नहीं किया हमने अटेंडेंस पूरी करने में। हम तो ढूंढ रहे थे हम सफर कोई, हम तो ढूंढ रहे थे हम सफर कोई, साला फर्स्ट सेम ही निकल गया इतने। भाई साहब रियली, तो मेरा एग्जाम चल रहा है और हम ये सारी बना के ये डिटेक्टेड कर रहे हैं। हाँ, तो सच में यही हुआ। सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में मैं कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा वो जमाना हुआ। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। Welcome to the Spotify Tricks and Tricks podcast, where you can browse the tutorials, get answers to your questions. तो ये Spotify का हेड आ गया भाई बीच में, जिसमें बोतलें भी आ गई हैं। तो हमारे यहाँ पे Spotify का ऐड भी चल पाता है। Now the time to say goodbye to Adi. So goodbye and good night Adi. Okay, goodbye. Last selfie after the exam. Bye bye. Bye bye.